मॉम, मैं जानती हूं आपको बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन अगर एक बार भी आपने मुझ पर भरोसा किया है तो ये रिपोर्ट से एक बार देख लीजिए। वो मैं मां नहीं बन सकती हूं। मैंने केटी की आंखों में, आपकी आंखों में एक सपना देखा था, केटी और मेरे बच्चे का सपना, और उसी सपने को ना मैंने अपना सपना बना लिया था। लेकिन जब ये रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आए तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों का दिल तोड़ दूंगी, आप लोगों को दुख पहुंचाऊंगी, और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था मॉम, एक ही रास्ता बचा था। मैं जानती हूं कि मैंने आपसे झूठ बोला है, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मॉम। मॉम, मैं मानता हूं कि जिस तरह से सच्चाई आपके सामने आई है आपको तकलीफ हो रही होगी, समझ सकता हूं मैं, लेकिन प्लीज दिल छोटा मत करो मॉम, हमें तो एज ए फैमिली खुश होना चाहिए ना। इसको इस तरह से भी तो देखा जा सकता है कि आप दादी बनने वाली है, हमारे फैमिली में एक बेबी आने वाला है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि बेबी प्रीति की कोख में आ रहा है या फिर सरगसी से, खुशी की बात है कि वो हमारा अंश होगा, मेरा अंश है, प्रीति का अंश है, हमारे फैमिली का अंश है मॉम, है ना खुशी की बात? बहुत बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ केटी, इतनी खुश हूँ ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मॉम प्लीज, इतनी खुश मॉम, और तुम माफी मांग रही थी ना मुझसे, मेरे तुम्हें माफ करने से शायद तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए, लेकिन मेरे दिल को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीति आज तुमने मेरा भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया, अब मैं जाकर भी तुम्हें भरोसा नहीं कर सकती, ना ही कभी सोच पाऊंगी कि हमारी पीठ पीछे तुम हमारे खिलाफ नहीं जाओगी। और जब किसी परिवार में विश्वास की कदर ही ना रह जाए तो उस परिवार की जड़ें, उसकी नींव सब कुछ हिल जाता है, और यहां सब कुछ हिल चुका है। मॉम नहीं, यह हक मैंने तुम्हें दिया था ना, लेकिन अब नहीं मॉम नहीं, मैंने तो एक मां बेटी का रिश्ता बनाया था प्रीति, लेकिन अफसोस कि तुम उस रिश्ते का मान नहीं रख पाई, कितनी खुशी की बात है ना कि प्रीति आंटी के हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना प्रीति आंटी और केटी सर इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं, वो भी इस उम्र में सरोगेसी के जरिए। उससे ये सच तो बिल्कुल भी नहीं बदलता कि ये बच्चा उन दोनों का ही है। राइट, बात वो नहीं है, लेकिन एक औरत तभी सच्ची माँ कहलाती है जब वो 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में रख कर दर्द सह कर उसे जन्म देती है। ये सब बहुत ही पुराने ख्यालात वाली बातें। एक माँ का अस्तित्व, उसकी पहचान अपने बच्चे को दी हुई परवरिश से तोली जानी चाहिए, जो कि सबसे मुश्किल है और एक बच्चे की जिंदगी में सबसे अहम भूमिका निभाता है। पैदा करने से कोई माँ नहीं बन सकती, अपने बच्चे को दिए हुए प्यार और परवरिश से ही वो माँ बनती है। वो जो भी है, लेकिन प्रीति को हम सबसे इतना बड़ा सच नहीं छुपाना चाहिए था।
और वैसे तुम दोनों इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो प्रीति की? कहीं तुम दोनों का भी ऐसा ही कोई इरादा तो नहीं है? नहीं नहीं। हाँ, आप ख्याल बुरा नहीं है, सोचा जा सकता है इस बारे में। क्यों? हम्म, बिल्कुल नहीं। अरे थैंक्स टू प्रीति भाभी एंड बीबी, हमारे रिश्ते में फिर से एक होप आई है एंड आई होप कि भगवान उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दे। कितना कुछ सुनना पड़ा था हमें। फूर्ती, कहाँ जा रही हो तुम? छत पे, खुली हवा में। वैसे प्रीति को पूछा था मैंने। नीचे आओ, फौरन नीचे उतरो। क्या हो? मॉम, जाओ। ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम कोई सीढ़ी नहीं चढ़ोगी। लेकिन हमारा बारिश पड़ रहा है तुम्हारे पेट में ना, इसलिए हम उसे लेके कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसे ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम्हारे हर कदम, तुम्हारे हर सांस का ध्यान मैं रखूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे वारिस पर किसी धोखेबाज की परछाई भी पड़े। अच्छे संस्कार मिलने चाहिए इसे, समझी तुम? मॉम ये क्या कह रही हैं? ये ठीक बात नहीं है मॉम। फूर्ती, छत पे जा रही थी ना? हाँ। जाओ। रुको फूर्ती, वापस आओ। फूर्ती, तुम जाओ। आप दोनों आपस में डिसाइड करो मुझे किसकी बात माननी है, तब तक मैं बाहर हवा खा के आती हूँ। क्या हो गया मॉम आपको? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं आप? ऐसा क्या हो गया मॉम? मतलब मैं मानता हूं प्रीति ने झूठ बोला है, लेकिन किसी को हर्ट करने के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए झूठ नहीं बोला है उसने। मुझे, हमारे परिवार को खुश करने के लिए उसने झूठ बोला है। बच्चा हमें चाहिए था मॉम। अब प्रीति मेडिकली फिट नहीं है मां बनने के लिए, तो हमारे पास स्वर्ग सी एक आखिरी उम्मीद बची थी, एक बेस्ट ऑप्शन था हमारे लिए मॉम। क्योंकि आपको जब पता चलता कि प्रीति मां नहीं बन सकती तो आपका दिल टूट जाता। सरोगसी के लिए आप हां कहती नहीं, तो ऐसे में आप बताइए हम क्या करते? क्या ऑप्शन था हमारे पास? झूठ तो बोला है ना परिवार से। तो क्या प्रॉब्लम है मॉम, झूठ किसने नहीं बोला है? हमारे परिवार में कोई भी ऐसा है जिसने आज तक झूठ ना बोला? अपनों को खुश करने के लिए झूठ बोलना अगर पाप नहीं है तो फिर ये कैसे पाप हो गया? अगर ऐसी बात है तो फिर मैंने झूठ बोला है, आपने झूठ बोला होगा, डैड ने बोला होगा, सबने बोला होगा। नहीं नहीं प्रीति, आज हमारे परिवार को आईना देखने की जरूरत है। जब नंदिनी मुझे छोड़कर गई थी तो अपने बेटे को दुनिया के तारों से बचाने के लिए आपने झूठ बोला था। कहा था कि नहीं कि बेटी की बीवी बेटे चले गए लंदन, कुछ दिन या कुछ महीने नहीं, 17 सालों तक झूठ बोला था आपने अपने बेटे को बचाने के लिए। तो फिर वो झूठ पवित्र और ये झूठ गलत कैसे हो सकता है मॉम? ना तब आप गलत थी मॉम और ना आज प्रीति गलत है। आखिर तूने वही बात कर दी ना केटी, जो शादी के बाद हर बेटा करता है, अपनी मां को छोड़कर चला गया अपनी बीवी की तरफ। ओह पैसी, और तुम, आज तुमने मेरा सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ा है, आज तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। आ गई मां और बेटे के बीच, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं केटी, आज तूने बता दिया ना तू किसकी तरफ है, तू अपनी बीवी की तरफ है, इट्स फाइन, परफेक्टली ओके। तो फिर माँ की या हमारे परिवार की चिंता, उसकी परवाह क्यों?
मैं समझ लूंगी कि मेरा एक बेटा था जिसने आज तक मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया, लेकिन पत्नी के आते ही उससे उसकी माँ के जज्बातों का कोई मोल ही नहीं रहा। क्या कह रही मां? अब ऐसी कोई बात नहीं है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।